अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ेड एंड साई व्लॉग्स। आई एम ज़ेड एंड साई, एम बैक अगेन विद अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग आप लोग सोच रहे ईद का व्लॉग है, लेकिन ऐसे कपड़ों में क्यों स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज बज रहे दोपहर के 12 और आज का दिन गाइस, बिकॉज लड़के लोग का तो वही कसाई लोग की तरह ही जाता है, इस वजह से अभी के दिन ऐसा है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने दो व्लॉग देवनार के क्यों नहीं बनाया। मैं कल भी नहीं जा पाया देवनार, परसों भी नहीं जा पाया, बिकॉज गाइस बकरे आ गए थे ना, तो बकरे घुमाने के चक्कर में मैं देवनार नहीं जा पाया। बकरे थे ना, सब बकरों को घुमा रहे थे। तो देखो ये आगे मैं क्लिप दिखाता हूँ, ये दोनों दिन हम लोग बकरा घुमाए, सिर्फ बकरे को खिलाने पिलाने गए। बिकॉज गाइस दो तीन दिन के लिए बकरा आया था, तो मैंने सोचा कि अभी चलो देवनार दो दिन नहीं जाता हूँ। लास्ट ईयर मैं पूरे 10 दिन गया था, लेकिन ये बार मिस हो गया मेरा दो दिन, तो कोई नहीं, नहीं जा पाए। आगे ये देखो, हम लोग जब बकरे को घुमाने गए थे, तो आज गाइस ईद उल अदा है। आप सबको ईद उल अदा बहुत बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, जिस जिसने कुर्बानी करा है पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ कुर्बानी है, सब अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। तो बस, और गाइस देवनार के ये मत सोचना कि सिर्फ देवनार के ही ब्लॉग्स बनाता हूँ मैं, देवनार के बाद भी ब्लॉग्स आएंगे अच्छे अच्छे इंशाल्लाह। तो बस सब ब्लॉग देखना, और अभी आगे का जो जैसा जाएगा। और मैं अपने हेयर कट भी कराने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को ये हेयर जम रहे नहीं है, तो भी मैं शॉर्ट हेयर कराऊंगा। बस वो देखना, आगे देखो आप लोग, बकरे हम लोग लेके गए थे जब पटरी पे घुमाने। बस ये बैकग्राउंड पे कितने दिन बाद गाइस इंट्रो शूट हुआ, और देखो यहाँ पे चेंजेस भी आ गए, ब्रिज बन गया यहाँ से। गाइस कितने, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, जब से यहाँ से इंट्रो शूट हो रहा था, बट अभी थोड़े दिन से नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे आना बहुत कम होता है अभी। तो बस चलते, सुबह से मैं व्लॉग इस वजह से नहीं बनाया गाइस, बिकॉज सुबह उठ के नमाज पढ़ते के साथ ना बस बकरा काटने में ही लग गए थे, तो इस वजह से बकरा कसाई से कटवाए, लेकिन फिर उसमें हाथ बटाने में लग गए ना, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं कर पाया, और फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी। तो बस अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 12 बजने वाले। अभी भी देखो काम करते हुए घूम रहा हूँ, मान लेने आया था, अभी भी काम ही चालू है। Later that same evening. बाल कटाने। A few moments later. A few hours later. ये देखो अभी हम लोग आ गए चाय सुट्टा बार। अरे भाई तू ढाबा है, मजाक चल गया। हाँ मिनी ढाबा, ढाबे का भी
तो गाइस अभी बज रहे 11, वालेकुम अस्सलाम, अभी बज रहे 11 और देखो मैंने ये बाल कटा लिया। बकरा ईद का व्लॉग ऐसा था, मैं जब 2-3 बजे सोया ना, 1-2 बजे, आज भाई बकरा काटे थे 3। ये वचन दे रहा है, एक ही बकरा था अपना। वो जो गाइस आप लोगों ने वीडियो मैंने बताया ना, वो लास्ट की थी बकरे की और हेयर स्टाइल मैंने कटा दिया। मेरे को खुद मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर मैंने करा लिया। कल परसों से मेरे दिमाग में ये चीज़ घूम रही थी कि बाल कटा लूँ और अभी हैबिट ऐसी हो गई है ना कि हाथ ऐसा डाल रहा हूँ, बार बार बाल बढ़े थे ना इस वजह से। मेरे को वो कटाने का भी था नहीं भी, पता नहीं मेरा मूड एकदम अचानक स्विंग हो रहा था बार बार, तो मैंने फिर कटा लिया भाई। तो अभी 6 बजे मैं सो के उठा, तो अभी आज बकरा ईद का दिन ऐसी गया, तो अभी आगे हम लोग चाय छूटा बार में यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे लोग सब बैठे, तो देखेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे। ऐसी बकरा ईद नॉर्मल बन जाएगी, जाएगी अभी 11 बज रहे। तो बस छोटा सा ही ब्लॉग था ये, देवनार के मैंने 2 ब्लॉग क्यों नहीं बनाया वो मैं आप लोगों को बताया, वही बकरा घुमाने गए थे इस वजह से। और ये हेयर स्टाइल मेरे को आज मैं बकरा ईद की वजह से नहीं करा रहा था, कल परसों से मेरे दिमाग में था कराने का लेकिन मैं बकरा ईद की वजह से नहीं करा रहा था। नहीं करवा सकते ना, बाल बाल नहीं कटवा सकते, तो एहतियात बरतते, भले से कुर्बानी मेरे नाम पे नहीं थी फिर भी एहतियात बरतना चाहिए। तो बस इसीलिए बकरा ईद वाले दिन ही मैंने करा दिया नमाज बाद। तो यस, बकरा ईद का ब्लॉग यही है गाइस, अभी खाएंगे पिएंगे यहाँ से फिर चले गए। देखो यहाँ पे सब बनेंगे, आया था मैं ऑर्डर देने। अभी हम लोग निकल गए भाई चाय सुट्टा बार से, अभी हम लोग जा रहे इसी राउंड मारते मारते भाई 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 मुबारक कर दो जरा, नहीं दे रहा ये बहुत देखते गाली, बस नाकाबंदी नहीं रही और नाकाबंदी होगी यहाँ कहीं ना कहीं। हाँ देखो बैरिकेटर लगे हुए, मतलब एहतियात से जाना पड़ेगा थोड़ा। अरे ये क्या हो गया भाई, वीडियो सही आ रही तो ये कटा। A few moments later. Guys, अभी बस 12 बजने वाले और ये व्लॉग छोटा सा था, बस इसमें यही थी ईद उल अज़हा, तो आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक, मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बोला था। और बस बाल वाल कटा लिया, यही था छोटा सा व्लॉग था, आप लोग देखे, आई होप आप लोग को अच्छा लगा रहेगा। और गाइज हाँ, मैं देवनार के व्लॉग नहीं बनाया था 2 दिन, वही बताने का था मेरे को ये व्लॉग में। और देवनार के व्लॉग ही नहीं गाइज, इस ईद के बाद और भी व्लॉग आएंगे, डेली व्लॉग मतलब व्लॉग्स आते रहेंगे, हफ्ते में वीक में कभी भी आते रहेंगे। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब, अच्छे व्लॉग देखने मिलेगा आप लोग, अच्छा अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा, बस आप लोग देखते रहना और सपोर्ट करते रहना। और 15K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो आप लोग करा दो। आप सबको एक बार और ईद मुबारक। एंड अभी तो 3 दिन कुर्बानी है, आज भी कुर्बानी थी, 80% लोग आज ही करते थे, बाकी 2 दिन और है बासी थी, बासी वो टाइम पे भी कुर्बानी होती है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, छोटा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ ही मिलेंगे। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और बस ईद में कहीं गए नहीं थे तो अभी रात में थोड़ा सा चले गए ऐसी दोस्त लोगों के साथ, तो बस वही आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। तो अभी व्लॉग आते रहेंगे, आप लोग बस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अल्लाह हाफिज़।